समीर, ये जो जिस ओर अभी इशारा किया है संदीप सोनवालकर ने कि भाई कार्यकर्ताओं के बीच में तो दिक्कत पैदा होगी, अगर वो दिक्कत पैदा होती है तो फिर ये जो गठबंधन है कितना लड़ पाएगा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से? अनम्यूट करें अपने को। आशुतोष जी, मैं इस गठबंधन की एक सच्चाई आपको बताता हूँ। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उसके 5 सांसदों ने दिल्ली में जेपी नड्डा जी से मुलाकात किया। हालांकि अमित शाह जी से मिलने का समय मांग रहे थे, उन्हें कह दिया गया था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कीजिए। उन्होंने यह प्रस्ताव दिया है कि हम आपके चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर हमें टिकट देती है तो हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं। या तो हमें पार्टी में ले लीजिए या एकनाथ शिंदे के पार्टी में रहेंगे, चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशन पर लड़ेंगे। यह सच्चाई है कि एकनाथ शिंदे के ज्यादातर सांसद इस बात को जानते हैं कि बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के वह जमीन पर जीत नहीं सकते। और यहां से अमित शाह जी ने सीधा सीधा मैसेज भेजा स्थानीय संगठन को कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार से जो सीटें मांग रहे हैं उनसे यह पूछे कि वहां पर लड़ाने के लिए उनके पास उम्मीदवार कौन है, पहले उस सीटों पर नाम बताए हमें, उसके बाद हम तय करेंगे कि वो उम्मीदवार जीतने लायक है कि नहीं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आपको वो सीट देना है कि नहीं। अजीत पवार अगर 8 सीटें लेंगे तो अजीत पवार के पास 8 उम्मीदवार कहां से आएंगे लड़वाने के? 2019 में 4 सीटें जीते थे शरद पवार के साथ रह के, 2014 में तो 4 सीटें जीते थे शरद पवार के साथ में रह के। 8 उम्मीदवार अजीत पवार अलग से अपने दम पर जिताने की उनकी हैसियत है क्या? अजीत पवार बारावती में अपनी पत्नी को या अपने बेटे को पार्थ को जितवा दे, इससे ज्यादा अजीत पवार कुछ उम्मीद करते नहीं है। प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा भेज दिया, प्रफुल्ल पटेल का अपना स्वार्थ हो गया है, अजीत पवार दो एक सीटों पर लड़ लेंगे। बट समीर, जो बात आप कह रहे हैं, तो फिर ये जो शिंदे ग्रुप का या अजीत पवार ग्रुप का बीजेपी के साथ जुड़ने से बीजेपी को फायदा क्या होगा? ये तो एक तरीके से पैरासाइट हो गए ना। अगर जमीन में नहीं इनका आधार नहीं है, अगर ये अपने कैंडिडेट्स इनके पास नहीं है, अगर इनके कैंडिडेट्स बीजेपी से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये वैल्यू क्या ऐड करेंगे, चुनाव में क्या ऐड करेंगे? फिर तो ये बीजेपी अकेले खड़ी दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर शिवसेना को तोड़ा होगा, एकनाथ शिंदे को तोड़ा होगा और अगर अजित पवार को तोड़ा होगा, तो कोई एकनाथ शिंदे को मजबूत करने और अजित पवार को बहुत मजबूत करने के लिए नहीं तोड़ा होगा। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ और राष्ट्र की सरकार बना ली थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाई। महाराष्ट्र में अंदर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें आती है, 48, और वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा गुजरात, जिस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश मजबूत है, जिस तरह से हमारा गुजरात मजबूत हो चुका है, वैसा ही महाराष्ट्र की 48 सीटें मजबूत हो, उसके लिए शिवसेना को तोड़ दिया। अब एकनाथ शिंदे को मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि एकनाथ शिंदे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हारे, जिससे इनकी ताकत खत्म हो और भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े और सबसे बड़ा दल बन के आए। आने वाले समय में तो भारतीय जनता पार्टी 5 साल बाद कोशिश करेगी एकनाथ शिंदे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाए, अजित पवार का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक सत्र राज करे। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को मजबूत करने के लिए नहीं है। और आप बताइए, जिस पार्टी के 40 विधायक थे उसे मुख्यमंत्री बना देती है भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के 40 विधायक थे उसे उप मुख्यमंत्री बना देती है और उसे वित्त मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस से लेकर दे देती है, तो उसे लोकसभा में क्या परोस के सीटें देगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के दम पर लड़ा जा रहा है, हम आप हमारी लाइबिलिटी को रुपये हम आपको नहीं ले सकते, हम डिसाइड करेंगे आपके कितने उम्मीदवार लड़ेंगे, आपको जो सीट देंगे वहां आपके 4 उम्मीदवार खड़ा कीजिए, उनको हम जितवाएंगे पूरा। एक एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, वह सीट गंवाने के लिए नहीं देंगे। वह बंबई की सीटें एकनाथ शिंदे को 3 इसलिए नहीं दे देंगे कि एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार वहां से हार जाए, जहां से राहुल शेवाले है या गजानन कीर्ति करे वहां पर, अभी भारतीय जनता पार्टी वहां लड़ेगी जहां श्योर शॉर्ट जीत होगी कि हाँ ठाणे की सीट है, ठाणे की सीट एकनाथ शिंदे को दे दी जाएगी, जहां राजन विचारे सांसद है अभी उद्धव ठाकरे ग्रुप के, वो वहां से एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे लड़ सकते हैं। कल्याण की सीट हो सकता है तो कल्याण की सीट दे देंगे, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे ये सोच रहे होंगे कि वर्धा की सीट उनको दे दी जाए या उनको रामटेक की सीट दे दी जाए, तो वो सपना देख रहे हैं, संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, मोदी और शाह के राज्य में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनको एडजस्ट किया जाएगा तो महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जब अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें इनको जरूर एडजस्ट किया जाएगा कि आपके पास 40 विधायक है, तो अब देखा जाएगा कि आपको किन सीटों पर एडजस्ट किया जाता है, और वही अजित पवार के साथ होगा। और एकनाथ शिंदे और अजित पवार की भी ध्यान पूरा महाराष्ट्र के अंदर ही राजनीति में, वो कोई दिल्ली में अपने सांसद बढ़ा के अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकते, वो जानते हैं कि 2 के 4 सांसद कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी हमारी आवाज दिल्ली में नहीं हो जाएगी,
उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति करना है, एकनाथ शिंदे को किसी भी तरह से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री बने रहना है, अजीत पवार को किसी भी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति सत्ता में बने रहना है, और इनकी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से हम बीएमसी पे कब्जा करें। एकनाथ शिंदे चाहेंगे कि मेरे शिवसेना का मेयर बीएमसी के अंदर बने, बीएमसी जिसका 40,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है, जिसपे शिवसेना पूरी ताकत लगा के अपने कब्जे में रखा, वही एकनाथ शिंदे लेने की कोशिश करेंगे। उन्हें दिल्ली में 2 से 4 सांसद से एकनाथ शिंदे को या अजीत पवार को फर्क नहीं पड़ने वाला उनके राजनीति के ऊपर। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को जानती है कि इनकी हैसियत महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित है, इन्हें वही तक सीमित रखा जाए। तो दिल्ली के अंदर कोई बहुत ज्यादा लोकसभा सीटों पर ये दबाव डालेंगे मुझे नहीं लगता। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।